दोस्तों नमस्ते। आज का ये वीडियो एक लंबे समय से बच्चों की डिमांड थी कि कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षक, कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज सहायक आचार्य पद की तैयारी कैसे करें, क्या इसका एग्जाम पैटर्न हो, क्या इसका सिलेबस रहता है और इसके लिए कितनी एज ग्रुप चाहिए और ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो गार है वो क्या है और इसका जो तीसरा पेपर जो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है उसकी हम एक बेहतर तैयारी कैसे करें ताकि इतने बड़े कंपटीशन को एक सही दिशा में सही रणनीति के साथ हम क्रैक कर सकें। दोस्तों जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़ी की चोट पत्थर पे नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो निश्चित रूप से एक चीज याद रखिए, कोई भी कॉम्पिटिशन कभी भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो खुद बड़ा नहीं होता। बड़े होने चाहिए हमारे इरादे, बड़ा होना चाहिए हमारा जुनून और बड़ा होना चाहिए उस लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण। यदि ये चीजें बड़ी हैं तो फिर चाहे वो कंपटीशन कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो आरएस या आईएएस का हो, चाहे वो किसी भी शिक्षक भर्ती का हो, हम उसे क्रैक कर सकते हैं। तो जिंदगी में हमेशा याद रखें, सही दिशा में और सही विषय पर और एक ही विषय के ऊपर की गई मेहनत आपको प्रतिफल जरूर देगी। तो ये कंपटीशन एक प्रकार से कॉलेज लेक्चर का एग्जाम जो होता है, कॉलेज प्रोफेसर की जो नौकरी होती है वो निश्चित रूप से मान लेना कि एक ड्रीम जॉब होता है। दोस्तों हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं कॉलेज के रूप में प्रोफेसर के रूप में मैं आप पढ़ाऊं। तो आप इसको बहुत बड़ा नहीं माने, कॉम्पिटिशन बहुत ईजी है, बस आपके मन में इच्छा शक्ति बड़ी गजब की होनी चाहिए। तो आज मैं कंप्लीटली चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसे आप तैयारी करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को एक ऐसी धार दें आप कि इस समय जो समय चल रहा है अभी से आप जुट जाइए, क्योंकि आपको बता दूं कि बहुत बड़ा विज्ञापन इसके लिए आने वाला है और बड़ी भर्ती होगी मेरे अकॉर्डिंग। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर के लिए आने वाली है। लगभग ये मान के चलें कि 1500 से 1600 के आसपास पद आएंगे और जो कि बजट में अभी और भी नए कॉलेजों की घोषणा की गई है तो ये संख्या बढ़ सकती है। तो ये 900 के लिए भी आ सकती है और 1600 के लिए भी आ सकती है या दो भर्तियां भी आ सकती है। मेरा अनुमान यह है कि एक ही भर्ती आएगी जिसमें इन सभी पदों को समाजित करके संभवतः 1600 के आसपास एक कॉलेज लेक्चरर की एक बड़ी भर्ती आप लोगों के सामने आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी भर्ती है, कॉम्पिटिशन बहुत सामान्य है, कैसे हम तैयारी करें ताकि इस कॉम्पिटिशन को हम करे कर सकें। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, पहला प्रश्न आपके दिमाग में होता है कि सर क्या योग्यता होनी चाहिए किसी भी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम को देने के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपको बता दूं मैं। सिंपली आप सबको पता है फिर भी बता दूं कि नेट, जेआरएफ या सेट, इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास हो, नेट हो सकते हैं, जेआरएफ है बहुत बढ़िया है या सेट है। सेट में एक बात विशेष रूप से याद रखना कि राजस्थान से बाहर यदि आपने किसी अदर स्टेट से सेट कर रखा है और यदि वो जून 2002 से पहले का है तब तक तो वैलिड है और जून 2002 के बाद का है तो वो वैलिड नहीं होगा। यानी केवल राजस्थान की राज्य पात्रता परीक्षा ही आप उत्तीर्ण हो, बाहर की किसी स्टेट से हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे 2002 के बाद। इस बात को याद रखिएगा। पीएचडी अनिवार्य है कि नहीं है, देखिए पीएचडी के लिए एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधिसूचना आई थी कि 2021 से अनिवार्य होगी, अभी तक ये अनिवार्य नहीं किया गया है इसलिए आप इसको लेकर चिंतित नहीं हो। पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी अभी, तो इसलिए एक या दो साल तक आपको इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि नेट है, सेट है, जेआरएफ है तो आप निश्चित रूप से कॉलेज लेक्चर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, याद रखना। दूसरी बात, ये योग्यताएं आपके पास कब तक होनी चाहिए, तो आपको बता दूं कि विज्ञापन आने के बाद जो आपका साक्षात्कार परीक्षा होगी, इंटरव्यू होने से पहले ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। इंटरव्यू से पहले यदि योग्यताएं आप अर्जित नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन इंटरव्यू तक यदि आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लास्ट टाइम में फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, अभी तक आपने नेट नहीं दी है लेकिन इस बार आपके नेट हो जाती है, तो आप निश्चित रूप से इस एग्जाम के लिए पात्र होंगे। इंटरव्यू से पहले, साक्षात्कार से पहले आपको योग्यताएं अर्जित करनी है, इस बात को विशेष रूप से आपको याद रखना है। एमए में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो एमए में 55% होनी चाहिए, निश्चित रूप से एमए में 55% होने चाहिए आपके। लेकिन इसमें कुछ वर्गों को छूट दी गई है, एससी, एसटी और जो विकलांग हैं उनको 5% छूट दी गई है। एमए में यदि आपके 55% नहीं है
आपके केवल 50% भी हैं तो आप कॉलेज लेक्चर एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, याद रखना। तो इसमें 5% की छूट केवल एससी एसटी विकलांग, और एक विशेष बात है 19 सितंबर 1991 से पहले जिन्होंने एमए कर लिया था और जिनके पास डॉक्टर की उपाधि है, पीएचडी है, उन लोगों को भी इसमें 5% की छूट दी गई है। अब मैं बात करूंगा मूल रूप से आपके पास योग्यताएं क्या होगी, नेट सेट या जेआरएफ आप हैं, पीएचडी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप एलिजिबल होंगे। एससी एसटी को 55% में छूट है, बाकी किसी को भी ओबीसी को, एमबीसी को और जनरल को 55% होने अनिवार्य होंगे। गार क्या है, गुड एकेडमी रिकॉर्ड क्या है, आपको बता दूं जहां तक मुझे सूचना मिली है माननीय प्रदीप बोर्ड जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं कॉलेज शिक्षा के, उनके बयान और उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार गार गुड एकेडमी रिकॉर्ड आने वाली भर्ती में हट जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एक शॉर्ट में बता दूं गुड एकेडमी रिकॉर्ड क्या था, हमारी जो कॉलेज लेक्चर की भर्ती हुई थी उसमें गुड एकेडमी रिकॉर्ड था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गुड एकेडमी रिकॉर्ड का मतलब है 10वीं 12वीं और BA, इन तीनों में, इन तीनों के नंबरों को मिलाकर, परसेंटेज को मिलाकर एग्रीगेट औसत तीनों के 10वीं 12वीं और BA 55% आपके होने चाहिए, जिसमें 10वीं या 12वीं में से किसी एक में 50% हो और बीए में भी कम से कम 50% हो, और उन 50% में ग्रेस का कोई योगदान नहीं हो, यानी आप 52% हैं चाहे ग्रेस आ गया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% के साथ ग्रेस नहीं होना चाहिए। ये गुड एकेडमी रिकॉर्ड था, 10वीं 12वीं BA की मिलाकर तीन से आप डिवाइड करेंगे तो 55% औसत आपके होने चाहिए, और 10वीं और 12वीं में से किसी एक में 50% और बीए में कम से कम 50% आपके होने जरूरी होंगे। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था जो हमारी कॉलेज लेक्चर की जो भर्ती हुई थी उसके अकॉर्डिंग, तो संभवतः ये हट जाएगा, तो इसको लेकर चिंतित नहीं हो। जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से प्रभावित हो रहे थे उनको भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करूंगा मैं आयु सीमा की, एज ग्रुप की, क्या एज आयु होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत जल्दी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तो आयु सीमा का एक बड़ा प्रश्न आता है कि सर कितनी एज होनी चाहिए। विज्ञापन में निश्चित रूप से लिखा मिलेगा, जैसे विज्ञापन आएगा, संभवतः अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है जल्दी आना था विज्ञापन, तो आप मान के चले जुलाई अगस्त तक जब भी पहला विज्ञापन मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज लेक्चर का ही आएगा आपके सामने, तो आप ये मान के चले उस विज्ञापन में लिखी मिलेगी आपको डेट, मिनिमम आपकी आयु उसमें लिखी मिलेगी कि जुलाई 2020 से या जुलाई 2021 तक मिनिमम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसमें भी कुछ विशेष प्रावधान हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी, एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी के बच्चों को इस आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है सामान्य रूप से। यदि महिलाएं हैं इस कैटेगरी की तो उनको 5 वर्ष के स्थान पे 10 वर्ष की छूट दी गई है, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट आयु सीमा में, और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी की जो महिलाएं हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनको 5 वर्ष छूट मिलेगी। विधवा और परित्यक्ता के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं, वो कितने भी एज ग्रुप के हों वो एग्जाम दे सकते हैं, और जो निःशक्त जन है, विकलांग जो व्यक्ति हैं, उनको आयु सीमा में मिनिमम जनरल यदि सामान्य कैटेगरी से है तो उसको 10 वर्ष की छूट रहेगी, यदि वो ओबीसी और एमबीसी से है तो उसको 13 वर्ष की छूट रहेगी, और यदि वो एसटी एससी से है तो उसको 15 वर्ष की छूट रहेगी, किसको, विकलांग बच्चों के लिए। तो ये तो आयु सीमा की बात होगी दोस्तों। तो मैंने आपके सामने योग्यता की बात कर ली है, नेट हो, सेट हो, जेआरएफ हो, पीएचडी अनिवार्य नहीं होगा, एमएमए 55% हो, गार गुड एकेडमी रिकॉर्ड संभवतः हट जाएगा, फिर भी गुड एकेडमी रिकॉर्ड क्या है, और आपकी एज क्या होनी चाहिए, और इंटरव्यू से पहले आपको योग्यताएं अर्जित करनी। अब मैं बात करूंगा कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, कैसे आप तैयारी करें, क्या पैटर्न रहता है, किन कितने पेपर होते हैं, इनकी मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा हूं। दोस्तों विशेष रूप से बता दूं आपको, टोटल जो मार्क्स होते हैं कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए वो 224 नंबर का होगा पेपर। 224 नंबर में दो प्रकार के चरण हैं, एक लिखित परीक्षा होगी और एक साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा जो है वो 200 नंबर की है, और उस लिखित परीक्षा में 200 नंबर में आपको तीन पेपर देने होते हैं। कौन कौन से पेपर देने होंगे, आपके सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर, सेकेंड पेपर। प्रथम और द्वितीय पेपर जो आपके सब्जेक्ट के होंगे, वो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें वो 75-75 नंबर के दो होंगे, पहला और दूसरा। 3 घंटे का समय रहेगा आपके सामने,
प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, और विशेष बात याद रखना जो सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो ऑनलाइन होंगे, यानी कंप्यूटर के माध्यम से आपको देने हैं, वो आपको लिखित रूप से पेपर आपके सामने नहीं होगा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये पेपर आपके होंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका, 150 प्रश्न होंगे पहला और दूसरा पेपर जो आपके सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि 150 नंबर जो है वो सब्जेक्ट के हैं, और जो तीसरा पेपर होता है इसमें वो 50 नंबर का होता है और वो जनरल स्टडी का यानी राजस्थान जीके का होता है, और ये इसमें 100% आपके सामने पूछे जाते हैं, वो 100% वस्तुनिष्ठ प्रकृति के ही होंगे, और विशेष बात यह है कि जो पिछली भर्ती हुई है वो ऑफलाइन हुआ था, ये तीसरा पेपर वो सबसे पहले लिया जाएगा। तो तीसरा पेपर जो होगा वो 50 नंबर का होगा, सब्जेक्ट के पेपर जो दो होंगे वो 75-75 नंबर के होंगे, टोटल लिखित परीक्षा होगी 200 नंबर की, और जो 24 नंबर बच गए 224 में से वो होंगे साक्षात्कार के। तो इंटरव्यू का रोल केवल 24 नंबर का है दोस्तों, यदि रिटर्न में आपने बहुत अच्छा कर लिया तो इंटरव्यू का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहेगा, तो साक्षात्कार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस बार की जो भर्ती परीक्षा में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके रिटर्न में जिसके नंबर अच्छे थे वो सभी कॉलेज लेक्चर बने हैं, इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे नहीं है तो भी डरे नहीं, केवल आप लिखित परीक्षा में बहुत अच्छा करते हैं, और लिखित परीक्षा में जो तीसरा पेपर होगा जो पहले होता है उसमें आप कितना अच्छा कर पाएंगे वो आपका की ऑफ सक्सेस है। जैसे शिक्षक भर्ती में साइकोलॉजी और प्रथम पेपर होता है, वैसे ही कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में तीसरा पेपर का सबसे बड़ा रोल रहेगा, याद रखना। क्यों? इसका कारण बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये पहले होता है और यदि इसमें आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो सब्जेक्ट के पेपर आपके अच्छा होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। लेकिन ये पेपर यदि आपका खराब हो जाता है तो आपका आत्मविश्वास डवाडोल हो जाएगा, और उसके बाद आने वाले पेपर में आपका अटेंशन और आपका विश्वास आत्मविश्वास एग्जाम में कमजोर हो जाता है। तो तीसरे पेपर पे विशेष रूप से ध्यान दें, प्रथम और दूसरे पेपर पे तो आपको ध्यान देना ही है, साक्षात्कार की आप टेंशन ना लें दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, दो पेपर तीन पेपर होंगे लिखित में और 24 नंबर का साक्षात्कार होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगी, याद रखना। अब मैं बात करूंगा तीसरे पेपर की आप बेहतर तैयारी कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने आती है कि सर तीसरे पेपर में कैसे हम बेहतर करें। सब्जेक्ट के वीडियो मैंने लगभग बना रखे हैं दोस्तों, केमिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, संस्कृत का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, तो आप उसको मेरे चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली रणनीति मिल जाएगी, और जिनके नहीं बने हैं उनके भी जल्दी बना के मैं डाल दूंगा। तो तीसरे पेपर की तैयारी कैसे करें, देखो तीसरे पेपर की तैयारी के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं। पिछली हमारी जो भर्ती परीक्षा थी उसमें जिन लोगों ने टॉप किया है और जिनके इस तीसरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर थे, मैंने उनसे बातचीत की। विशेष रूप से आपको बता दूं कि राजस्थान में शायद मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पेपर जिनका गया था पप्पू सिंह जी प्रजापत, उनके इस पेपर में इतने शानदार नंबर थे कि शायद हम सोच ही नहीं सकते। उनसे मैंने बात की कि क्या कैसे बेहतर तैयारी हो, मेरे खुद के बहुत अच्छे नंबर थे इस पेपर में। राजस्थान के पब्लिक एड के टॉपर रहे विवेक कुमार जी चुलेट, उनके भी बहुत शानदार नंबर थे। हमारे मित्र गणपत सिंह जी, पवन जी, बजरंग जी स्वामी, अनुज जी हमारे कॉलेज में साथ, इन सबसे मैंने चर्चा की, सुनील जी रसायन विज्ञान से, सभी सब्जेक्ट के जो टॉपर रहे हैं उन सभी लोगों से मैंने बातचीत करके एक कॉमनली मैंने एक लिस्ट तैयार की, और जो मैंने खुद अप्लाई की, मतलब उन्होंने क्या माना उससे ज्यादा मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि यदि ये किताबें आप फॉलो करते हैं और इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो तीसरे पेपर में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। तो तीसरे पेपर की आप तैयारी कैसे करें इसका बता दूं मैं आपको। टोटली राजस्थान बेस का पेपर होगा इसमें, इंडिया और विश्व का कोई रोल नहीं रहेगा, याद रखना। तो केवल राजस्थान को बहुत अच्छा आपको पढ़ना है। सबसे बड़ा पार्ट जो इसमें होगा तीसरे पेपर में, राजस्थान के इतिहास का, कला और संस्कृति का सबसे बड़ा रोल है। तो राजस्थान के इतिहास के लिए जो मैंने किताब पढ़ी और जो टॉपर्स रहे उन्होंने जो किताब पढ़ी वो बता रहा हूं मैं आपको। मैंने स्पेशली हुकुमचंद जैन और नारायण माली की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, ये सबसे बेहतरीन किताब है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। हुकुमचंद जैन, नारायण मालिका, राजस्थान का इतिहास, एक विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया, बहुत अच्छी किताब है, इसको आप देख लें। जय सिंह नीरज की राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, गोपीनाथ शर्मा का राजस्थान का इतिहास, ये किताबें इन सभी लोगों ने एकमत होकर बताई हैं, और ये किताबें यदि आप पढ़ लेते हैं तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति इनसे बेहतर और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। तो आप हुकुमचंद जैन, नारायण माली, जय सिंह नीरज और गोपीनाथ शर्मा और पनगड़िया, यदि इतनी किताबों से अपने खुद के नोट्स बना लेते हैं दोस्तों तो आप बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे।
दो नंबर बात करूंगा मैं, सबसे बड़ा रोल राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति का रहेगा, याद रखना इसको कितना अच्छा कर पाते हैं हम। दूसरा पार्ट है राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए नॉर्मली आप बता दें हर कंपटीशन के लिए, याद रखना हरिमोहन सक्सेना से बेहतर कोई किताब नहीं है, तो राजस्थान के भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना को आप देख लीजिए, इनफ है हर एग्जाम के लिए। और इसके अलावा राजस्थान के जो भूगोल के टॉपिक है वो किसी गाइड से भी आप तैयार कर सकते हैं, नॉर्मली आते हैं। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था, तीसरा पार्ट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की जो पिछली बार प्रश्न आए थे वो बहुत बड़ा रोल था उनका सिलेक्शन में, इसमें आपको आर्थिक समीक्षा देखनी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्रश्न हमेशा करंट के आते हैं, समसामयिकी के आते हैं, जीडीपी जीएसडीपी सेवा प्रतिशत कितना है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो करंट आर्थिक समीक्षा को बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जो राजस्थान का आर्थिक इतिहास है वो भी आप देख लें, एक बहुत अच्छी किताब है, लेकिन करंट को अच्छे से तैयार करके जाइएगा कि वर्तमान में क्या वार्षिक योजनाएं, राजस्थान की आर्थिक स्थिति, जीडीपी वगैरह का क्या योगदान है, किसका कितना प्रतिशत है, ये विशेष रूप से आपको तैयार करना है, तो अर्थव्यवस्था को करंट के संदर्भ में तैयार करें। चौथा जो पार्ट है तीसरे पेपर में वो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, वह राज्य प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था, इसके लिए जो किताबें मेरे सामने आई है, स्पेशली दो किताबें बहुत बेहतर किताबें आई हैं, जनक सिंह मीणा की है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जनक सिंह मीणा, ये बेहतरीन किताब है, और सुरेंद्र कटारिया की है राज्य प्रशासन की किताब, ये दोनों किताबें आप देख लें, ये पार्ट आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जनक सिंह मीणा व सुरेंद्र कटारिया। और अगला जो पार्ट आता है वो आता है समसामयिकी, करंट, और करंट केवल राजस्थान का आएगा, याद रखना। करंट के लिए आपको बता दूं जो मैंने फॉलो किया है और जो अन्य हमारे साथियों ने फॉलो किया है, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर का नियमित रूप से आप अध्ययन करें, उनसे अपने खुद के नोट्स बनाएं, इसके अलावा मूमल का जो द्विमासिक अंक आता है वो भी आप देख सकते हैं, क्रोनोलॉजी या दृष्टि किसी एक मैगजीन को आप चुन सकते हैं, ये निश्चित रूप से आपके लिए करंट के लिए इनफ रहेगा। राजस्थान पत्रिका बहुत अच्छा है, भास्कर अच्छा है, इन दोनों से नोट्स बनाएं, क्रोनोलॉजी या मूमल का द्विमासिक अंक और दृष्टि का आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा देखना चाहें तो। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि सर अलग अलग किताब पढ़ने के बजाय यदि हम एक ही कोई किताब हमें बता दो कि उसको पढ़ने के बाद हम कॉलेज लेक्चर के इस तीसरे पेपर को बहुत अच्छा कर पाए, तो गाइड के रूप में मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, जो मैंने खुद भी पढ़ा था, इस गाइड को मुझे फायदा भी हुआ, जो पेनोरमा की गाइड आती है, राजस्थान पेनोरमा की जो किताब है तीसरे पेपर के लिए, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति भूगोल अर्थव्यवस्था, ये पेनोरमा की गाइड एक बहुत अच्छी किताब है। आप यदि किताबें नहीं पढ़ सकते, किताबें पढ़ लोगे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे, और यदि किताबें नहीं पढ़ सकते गाइड पढ़नी है तो पेनोरमा की गाइड इसके लिए आप देख सकते हैं। ये तीसरा पेपर आप लोगों के सामने रहेगा। तो दोस्तों ये कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी का कंप्लीटली वीडियो है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं, ये मेरी व्यवहारिक बातें हैं, इसको दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि बच्चे घर बैठ के तैयारी कर सकें, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी कीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कोई भी एग्जाम को कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। बाकी जो वीडियो है कॉलेज लेक्चर के वो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे हम तैयारी करें और कैसे तीसरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। एक बार फिर से मेरे साथियों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे इसमें इस वीडियो को तैयार करने में मोटिवेट किया, पप्पू सिंह जी, हमारे विवेक जी, ठीक है, गणपत सिंह जी, ठीक है, इन सब लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों को एक बार इस भर्ती परीक्षा के, आगामी भर्ती परीक्षा के लिए फिर से शुभकामनाएं कि बहुत जल्दी एक बड़ी भर्ती परीक्षा आने वाली है, आप अभी से जुड़ जाइए, निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद।